मित्रों, छह माता दी कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में छह माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगी। मित्रों, वर्ष 2023 में कूर्म जयंती कब है, जानिए दिन व तारीख क्या है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब है, पूजा विधि क्या है, पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी कब समाप्त होगी, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मित्रों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कूर्म जयंती मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान विष्णु ने विश्व कल्याण व धर्म की रक्षा के लिए कछुए के रूप में अवतार लिया था, इसलिए इसे कच्छप रूप व कूर्म रूप के नाम से भी जाना जाता है। यह अवतार लेने का मुख्य कारण था देवता और दानवों के हाथों से हो रहा समुद्र मंथन में सहायता करना था। ऐसी मान्यता है कि जो लोग वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की कच्छप रूप की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ करते हैं तो उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। यह कूर्म अवतार भगवान विष्णु का धरती पर दूसरा अवतार माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कूर्म जयंती के दिन भगवान विष्णु के भक्त पूरे उत्साह और समर्पण के साथ उनकी धार्मिक पूजा करते हैं, और कूर्म जयंती के दिन पूरे देश भर में भगवान विष्णु के मंदिरों में विशेष पूजा और समारोह का आयोजन भी किया जाता है। मित्रों, अब पूजा करने का शुभ मुहूर्त को भी जान लेते हैं, जो इस प्रकार है। मित्रों, अब आपको बता दें कि वर्ष 2023 में कूर्म जयंती 5 मई दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। पूजा करने का शुभ मुहूर्त है 5 मई 2023 को शाम 4:02 से लेकर शाम 6:41 तक रहेगा। पूजा करने की कुल अवधि होगी 2 घंटे 39 मिनट। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 4 मई 2023 को दोपहर 11:44 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 5 मई 2023 को दोपहर 11:03 पर।